महर माता शारदा मंदिर में लगे रोपवे की ट्राली में बैठे यात्री फंसे भारी तूफान के घेरे में, कोई हताहत नहीं। महर के त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान माता शारदा के दर्शन के लिए दामोदर रोपवे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंधन में रोपवे की सुविधा दर्शनार्थियों के लिए माता के दर्शन को मुहैया कराई गई है। वहीं देखा गया कि भारी तेज गति से तूफान आने पर रोपवे में लगी ट्राली अनियंत्रित होने लगी। गरिमत रही कि ट्राली में बैठे दर्शनार्थियों में कोई हताहत नहीं हुए, लेकिन दर्शनार्थियों में काफी डर का माहौल बना हुआ है। वहीं रोपवे प्रबंधक देख तूफान की स्थिति को तत्काल रोपवे को स्थिर किया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बची। देख इस घटना को रोपवे प्रबंधक पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तूफान का पूर्वानुमान लगाने का इनके पास कोई यंत्र नहीं या फिर कोई इमरजेंसी सेवा नहीं। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो क्या रोपवे प्रबंधक इसकी भरपाई कर पाता।